राशन कार्ड का स्कैम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। नमस्कार, मैं ही आनेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। ये राशन कार्ड का स्कैम जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो बारामूला के पट्टन इलाके में हुआ है, जहाँ पे लगभग 100 लोगों को सस्पेक्ट किया गया है कि इन 100 लोगों के पास, जो कि APL है, अबव पॉवर्टी लाइन है, मगर इन्हें जो राशन कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं वो BPL के हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट इस समय किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है, करप्शन कितनी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। जिनका एक्चुअली में वो कार्ड के ऊपर हक था, उन्हें वो कार्ड ना देते हुए जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं उन्हें ये कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाए गए। जितने भी लोग जो ये सामने आए हैं, जिनके जो अबव पॉवर्टी लाइन है मगर उन्हें राशन कार्ड जो है वो BPL का दिया गया है, वो सारे लोगों के पास या तो गवर्नमेंट जॉब है या तो अपनी लैंड है, उसके बावजूद भी जो उन्हें राशन कार्ड दिए जा रहे हैं वो BPL के हैं और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो इस तरीके से उठा रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 100 या 100 से इवन ज़्यादा भी लोग जो हैं वो होंगे, मगर अभी तक 30 लोग जो हैं वो सामने आए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने बारामूला पट्टन दोनों पट्टन की बात करें तो वहाँ पे तो पूरी इंस्पेक्शन जो है वो चल रही है। वहीं गवर्नमेंट ने ये भी बात कही है कि अब पूरे बारामूला में जो है वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन होगी, ताकि जितने भी लोग जिनके पास इस तरीके के फर्जी राशन कार्ड हैं या जो पॉवर्टी लाइन के अभाव हैं मगर उसके बावजूद भी उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, उन सब के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। अब वहीं अगर जम्मू की बात करें तो पहले मैं आपको थोड़ी उसकी हिस्ट्री बता दूं। 2016 में एक स्कैम हुआ था जिसमें 11 लाख राशन कार्ड जो है वो इसी तरीके से फेक बांटे गए थे और लगभग 5,500 क्विंटल राशन का स्कैम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके का हुआ होगा। 11 लाख राशन कार्ड जो हैं वो फेक बांटे गए थे, BPL वर्ग के जो लोग नहीं थे उन्हें भी BPL के राशन कार्ड जो हैं वो दिए गए थे। और सिर्फ अगर राशन कार्ड की बात ना करें, अगर अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा करें, अगर कैनवस थोड़ा ब्रॉड करें, तो यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो जिन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, बल्कि इसी तरीके के जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, जिनके पास मॉनेटरी पावर होती है, किसी भी तरीके की पावर होती है, वो इसी तरीके से अपने राशन कार्ड या कोई भी कार्ड जो है वो बनवा लेते हैं ताकि उनके पास जो है प्रॉफिट हो, उन्हें प्रॉफिट हो, वो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। पर जिनको सही में ज़रूरत होती है, जिनको असलियत में ज़रूरत होती है और जिनके लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो उन लोगों तक जो स्कीम्स का बेनिफिट है वो पहुँचता ही नहीं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के बारामूला के पट्टन इलाके की मैंने आपको खबर सुनाई कि जहाँ पे 30 लोग जो हैं उनको अभी तक पकड़ लिया गया है और 100 लोग जो हैं वो सस्पेक्ट किए जा रहे हैं। और भी पूरे बारामूला में आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस समय थोड़ी देर तक शुरू हो जाएगी और पट्टन में इस समय जो है वो वेरिफिकेशन हो रही है और बाकी जितने भी वहाँ पे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी वेरिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन की बात जो है वो की जा रही है। पट्टन में आइडेंटिफिकेशन जो है इन लोगों की, जिन्होंने जो पॉवर्टी लाइन के अभाव हैं उन्होंने BPL राशन कार्ड बनवाए हैं, उन सबको जल्द से जल्द ढूंढने की बात जो है वो कही गई है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। पर वहीं अगर जम्मू को कंपेयर किया जाए तो जम्मू में 2016 में स्कैम हुआ था, पर उसके बाद से अगर डेटा निकाल के देखें तो कहीं ना कहीं राशन कार्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। COVID-19 के चलते शायद राशन जो है वो टाइम में नहीं मिल रहा, पर अगर जिस तरीके से पट्टन से खबर आई है, ऐसी कोई खबर पिछले कई सालों में जम्मू से नहीं आई। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।